الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات محمد एक मरतबा और बलंदर सलावात। बिरादरान अजीज, गुज़िश्ता दो शबों से आपकी खिदमत में मैं कुरान मजीद के सूरह मुबारक हूद की इसी आयत को तिलावत कर रहा हूँ, जिसमें इरशाद इलाही है, बक़ियतुल्लाहि खैरुन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम साहिब ईमान हो तो तुम्हारे लिए बक़ियतुल्लाह ही बेहतर हैं। अब उर्दू ज़बान में जितनी भी कद्दू काविश कर ली जाए, इस आयत करीमा के तर्जमे का हक अदा हो ही नहीं सकता। इसके कलिमात में जो ज़ाहिरी फसाहत है, इसके मानी में जो बलागत है, इसकी जो दिल नशीनी है, दिल आवेजी है, और इसके अंदर जो बेपनाह लफजी और मानवी हुस्न है, वो मुंतकिल हो ही नहीं सकता किसी और ज़बान में, किसी और कलिमात में। खुद अरबी में भी इसको बदलने की कोई कोशिश करे, अरबी ज़बान में भी कोई इस फ़िक्रे को समझाने के लिए सही इस तरकीब को बदलने की कोशिश करे, तो फिर वो जो हुस्न है, हुस्न खुदा दाद, वो बाकी नहीं रहेगा। बकियतुल्लाह की तरकीब बजाय खुद बहुत अजीब व गरीब है। इस तरकीब पर तरकीब तरकीब इज़ाफ़ी है, बकिया मुज़ाफ़ है, अल्लाह मुज़ाफ़ इलैह है। बकियतुल्लाह का तर्जमा अगर आप करें तो होगा अल्लाह का बकिया। अब अरबी ज़बान में इजाफत लफजी होती है, मानवी होती है, इजाफत कभी कभी उसमें लाम मुकद्दर होता है, कभी मिन मुकद्दर होता है, कभी फ़ी मुकद्दर होता है। जितनी भी नहवी सरफी अदबी आप मूछे काफियाँ करें, मगर बकियतुल्लाह की जो तरकीब है, मैं अर्ज़ करता हूँ कि कुरान मजीद में बजाय खुद ये एक अकेली तरकीब ऐसी है जो इस गवाही के लिए काफ़ी है कि ये कलाम कलाम बशर नहीं है। बक़ियतुल्लाह की तरकीब, ये तरकीब ऐसी है जो इस सबूत के लिए काफ़ी है कि कलाम कलाम बशर नहीं। और मुराद बकियतुल्लाह से वो हकीकतें जिन्हें अल्लाह ने बाकी रखा है।
और उन हकीकतों में सबसे अजीम हकीकत फर्जंद जहरा की है। वो फर्जंद जहरा जिसे अल्लाह ने बाकी रखा है फर्जंद मरियम को नमाज पढ़ाने के। बात न पहुंच जाए। और फिर खतीब कुरान यानी खुद जिस ज़ात मुबारक पर कुरान नाजिल हुआ हजरत खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने ऐलान फरमाया कि मेरी जुर्रियत से मेरे अहले बैत से एक नजात दहंदे बशर आएगा। आप हजरात खुद बहुत बिहम्दिल्लाह बाखबर हैं, मजमे में बहुत से हजरात तो बिहम्दिल्लाह बहुत बाखबर हैं, लेकिन इजमालन ये मजमा जो आता है और जिक्र मुहम्मद व आले मुहम्मद मजलिसों में सुनता है, ये मजमा इन हकीकतों से बेखबर नहीं है। ये बजाय खुद मकाम शुक्र है। देखिए वो नेमतें जो आपको हासिल हैं जिन पर आपको खुसूसी शुक्र अदा करना चाहिए, उनमें से एक बड़ी नेमत ये आज़ादारी भी है। बेशक बेशक ये हम इमाम की मुसीबत के सबब से आज़ादारी करते हैं, मगर अब आज़ादारी एक बड़ी नेमत है कि इसके ज़रिए से हमें अल्लाह का ज़िक्र सुनने को मिलता है, रसूलुल्लाह का ज़िक्र सुनने को मिलता है, औलियाउल्लाह का तज़किरा सुनने को मिलता है, हमारे नफूस पाक होते हैं, हमारे ख्यालात पाक होते हैं, हमें इल्म का रास्ता दिखाया जाता है, और नफूस इंसानी की तरबियत का इससे बेहतर कोई मरकज़ दुनिया में मौजूद नहीं है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये तो एक ओपन यूनिवर्सिटी है जो इमाम हुसैन ने कहा। ये आज़ादारी खुद एक ओपन यूनिवर्सिटी है, और इस तरह की ओपन यूनिवर्सिटी है कि इसमें हर उम्र का इंसान आकर दाखिला ले सकता है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर सिन्फ का मर्द हो, औरत हो, और मैं कहता हूँ इसमें दाखिले के लिए इस्लाम भी शर्त नहीं है। यूनिवर्सिटी है, इसमें दाखिले के लिए इस्लाम शर्त नहीं है। ये हमारा जिम्मा कि जो इसमें दाखिल हो गया वो इस्लाम से जुदा नहीं हो सकता। इसमें इस ओपन यूनिवर्सिटी में जिसका नाम आज़ादारी हुसैन है, इसमें दाखिले के लिए इस्लाम शर्त नहीं है, बस दाखिला शर्त है। और जो दाखिल हो जाए वो इस्लाम से महरूम नहीं रह सकता। हुसैन तक जो आ जाए नामुमकिन है कि खुदा तक ना पहुंचे, मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं है कि जो हुसैन तक आ जाए वो खुदा तक ना पहुंचे, और जो हुसैन तक आके भी खुदा तक ना पहुंचे उससे बड़ा शकी कोई नहीं हो सकता। गोया वो हुसैन तक पहुंचा ही नहीं, कहीं उसका रास्ता गलत हो गया। वरना अब मैं अपने शेर सुनाता नहीं हूँ मिंबर से,
मगर इस वक्त जब तबीयत कमजोर होती है तो फिर शेर याद आते हैं। जोश मलियाबादी का मशहूर शेर है कि हम ऐसे अहले नजर को सबूत हक के लिए, अगर रसूल ना आते तो सुबह काफी थी। ये शेर है। एक मरतबा बहुत तवज्जो की मैंने इस शेर पर तो फिर दूसरा एक मजमून जहन में आ गया, और वो मजमून ये है कि न मदरसे न मसाजिद न फलसफा न कलाम, न मदरसे न मसाजिद न फलसफा न कलाम, सबूत हक के लिए बस हुसैन काफी। कोई आ जाए दरे हुसैन पर फिर मुमकिन नहीं है कि वो नबूवत से आशना ना हो, मुमकिन नहीं है कि तौहीद से आशना ना हो। ये मकाम शुक्र है। तो बहरहाल आप हजरात इसमें तशरीफ लाते हैं तो आपके लिए ये हकीकतें बहुत हद तक इजमालन सही पहले से वाज़े हैं कि वजूद मुबारक हज़रत महदी अलैहिस्सलाम। हज़रत के वजूद पर क़ुरान मजीद में बहुत सी दलीलें हैं, एक दो दलीलें नहीं, बहुत सी दलीलें। सूरह मुबारक क़द्र, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये सूरा खास ताल्लुक रखता है हजरत इमाम आसर से। इस सूरे की तफसीर मुकम्मल हो ही नहीं सकती जब तक के जिक्र इमाम आसर ना हो जाए। खास ताल्लुक है। और मसला वही है, परवरदिगार आलम ने फरमाया है कि हर साल शब कद्र में फरिश्ते नाजिल होते हैं। फरिश्ते अगर कोई महबत मलाइका ना हो, कोई मुख्तलफ मलाइका ना हो, कोई ऐसा मरकज ना हो जहां फरिश्ते आ सकें, तो कहां आएंगे? फरिश्ते लेकर क्या आते हैं? तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ले अम्रिन। अगर कोई साहिब अम्र नहीं होगा तो वो अम्र लेकर किस पर आएंगे? साहिब अम्र होगा तो उस पर अम्र लेकर आएंगे। फरिश्ते आते हैं, हर साल आते हैं शब कद्र में इमाम के पास। अगर इमाम ना हो तो फरिश्तों का नुजूल रुक जाए, फरिश्तों का नुजूल रुक जाए तो बरकात इलाहिया मुनक़ति हो जाए, बरकात व फ़ुयूज़ इलाहिया मुनक़ति हो जाए तो यह ज़मीन तमाम खिलकत के साथ ख़त्म हो जाए। मुमकिन नहीं है कि कायनात बाकी रहे बग़ैर वजूद हज़रत वलीउल्लाह अल अज़म बक़ियतुल्लाह अल अज़म, मुमकिन नहीं। सूरह क़द्र में मैंने अर्ज किया कि दलील मौजूद है। सूरह कौसर, मुमकिन नहीं है कि तफसीर सूरह कौसर मुकम्मल हो जाए जब तक कि हजरत महदी का जिक्र ना हो जाए। इसलिए कि सूरह कौसर में दो वादे हैं। एक वादा यह है कि परवरदिगार ने अपने नबी को कौसर अता किया है, और दूसरा वादा यह है कि इन्ना शानिया का हुआ लबदर, हुजूर का दुश्मन ही बेदामो निशान होकर रहेगा। और अभी दुनिया में हुजूर के बहुत दुश्मन मौजूद हैं, बहुत दुश्मन हैं। कुछ वो हैं जो असलन अहले इस्लाम नहीं हैं, अहले कुरान नहीं हैं,
कुछ वो हैं जो खुद को मुसलमान भी कहते हैं, अहले कुरान भी कहते हैं, कुरान मजीद की तिलावत भी करते हैं और मुस्तफा से दुश्मनी भी करते हैं, हैं? इन दुश्मनों का वजूद ये बताता है कि अभी वादा इलाही मुकम्मल नहीं हुआ। इन नशानिया का हुआ अबतर, ये वादा इलाही मुकम्मल होगा या नहीं होगा? जो भी कुरान मजीद पर ईमान रखता है वो जानता है कि अल्लाह का वादा मुकम्मल होगा। हुजूर के दुश्मन बेनाम और बेनिशान होकर रहेंगे, तो बेनाम और बेनिशान करने वाला भी तो कोई होगा। मुमकिन नहीं है कि वादा हक पूरा ना हो। सूरह मुबारक है कौसर, दलील है वजूद मुबारक है हजरत महदी पर। सूरह कदर दलील है वजूद मुबारक है इमाम महदी पर। सूरह मुल्क दलील है वजूद मुबारक है इमाम महदी पर। सूरह मुल्क किस आबो ताब से सूरह शुरू हुआ है? तबारक अल्लज़ी बियदिहि अल-मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। क्या आबो ताब है, खुदा की कुदरत का ऐलान है। और आखिरी आयत क्या है? अरअयतुम मिन असबहा माउकुम गौरा फमन यातीकुम बिमाइन मईन। क्या तुमने कभी सोचा, कभी गौर किया कि जब आब हयात खुश्क हो जाएगा, जब हिदायत का सरचश्मा गायब हो जाएगा, तो दोबारा कौन जाहिर करेगा? यह आयत मुमकिन नहीं है इसकी तफसीर जब तक के वजूद मुबारक हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम तक बात ना पहुंच जाए। सूरह मुल्क कसीदा मेहदिया है। आशिकान इमाम इमाम तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं। आज एक जुमला कह रहा हूँ, आज दो बातें क्लियर करनी है आपके सामने, दो बातें बहुत अहम, और ज़रा भी इश्तबाह ना हो, पूरी तवज्जो रहे, पूरी तवज्जो रहे, पूरी तवज्जो, और मेरे जुमलों में ज़रा सा भी तहरीफ ना कीजिएगा। पहली बात तो ये है कि ये जो गैबत है ये मसलहत इलाही है, और असल सबब सबब क्या है? असल सबब बहुत सी मसलहतें होती हैं, लेकिन एक बड़ी सबब, बड़ा सबब होता है, बड़ी मसलहत होती है। वो बड़ी मसलहत दुश्मनों से महफूज रखना है। बड़ा सबब बड़ी मसलहत दुश्मनों से महफूज रखना है। इसके मानी यह है कि गैब में रखा गया है दुश्मनों की वजह से, दोस्तों के लिए कोई गैब नहीं है। ये एक जुमला है, तवज्जो रहे, पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। जवानान अजीज, बुजुर्गान मोहतरम, मेरे मोमिन अजीजो, मेरी मोमिना खवातीन, सुने और इस बात को दिल में लेकर जाएं, लौहे दिल पर नक्श कर लें। वजूद मुबारक हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम बेशक गैब में, ये गैबत कुबरा है, उसके बावजूद मैं अर्ज करूं मामला कुछ और है। गालिब का देखिए, कोई संगीन बात सबसे लतीफ पैराए में जब कही जाती है तो गजल बनती है। गालिब ने एक शेर अजीब व गरीब कहा है। गालिब फरमाते हैं, मिलना तेरा अगर नहीं आसान तो सहल है,
मिलना तेरा अगर नहीं आसान तो सहल है, दुश्वार तो यही है कि दुश्वार भी नहीं। मिलना तेरा अगर नहीं आसान तो सहल है। अगर ये मालूम हो जाए कि नहीं भाई मुलाकात मुमकिन नहीं है तो सहल है, सो जाएंगे चैन की नींद। मालूम है कि नहीं मुलाकात हो सकती, लेकिन अगर ये मालूम है कि माशूक से मुलाकात का इम्कान तो है अगरचे मुश्किल है, अब सच्चा आशिक सो नहीं सकता। अगर ये कह दिया जाता कि मुमकिन ही नहीं है, आप कुछ भी कर लें मुमकिन नहीं है, तो फिर आराम से सो जाता या खुदकुशी कर लेता या सो जाता। लेकिन अगर ये मालूम हो कि नहीं माशूक से मुलाकात मुमकिन है, महबूब से मुलाकात मुमकिन है मगर बहुत मुश्किल है, दुश्वार है, अब सच्चे आशिक की शान ये होगी, अब नहीं सो सकता। इस बेचैनी को गालिब ने कहा है कि दुश्वार तो यही है कि दुश्वार भी नहीं। इसलिए मैं एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ, बहुत बड़ा जुमला, और इससे जो इश्तबाह पैदा होगा उसे अभी दूर करूँगा। सिर्फ एक जुमला सुनकर ना चले जाएं और एक जुमला कोट ना करें, ऐसा ना हो कि ला तक्रुबु सलात वान तुम सुकारा, ऐसा ना हो। इस दौर में भी मुतलक पर्दा तो गैरों के लिए है, सच्चे आशिकों के लिए, बाअदब आशिकों के लिए, जान निसारों के लिए मुलाकात नामुमकिन नहीं है। अदब मुलाकात चाहिए, हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, तहजीब चाहिए, एतमाद होना चाहिए, फकाहत होनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज यह है मुलाकात मुमकिन है, फैज पहुंचता है, इमदाद गैबी पहुंचती है, मगर सबसे बड़ा अदब यह है कि जब मुलाकात होती है जिसके साथ तो जबान पर मोहर लगा दी जाती है। माशूक से मिलने के बाद कोई सच्चा आशिक बयान नहीं करता कि मैं आशिक से मिलके आया हूं, माशूक से मिलकर आया हूं, आदाब इश्क के खिलाफ है। आदाब इश्क के खिलाफ है यह ऐलान करना कि मैं मुलाकात करके आया हूं, और जबकि खास तौर पर पाबंदी लगा दी गई हो, खबरदार कोई हमसे मुलाकात का जिक्र ना करे, और हुक्म दिया गया हो अगर कोई मुलाकात का जिक्र करे तो उसे झुटलाओ, तर्दीद करो, इनकार करो। कोई कहे कि मेरी मुलाकात है इमाम से, समझ लीजिए या झूठ बोल रहा है या खयानत कर रहा है। खयानत है, खयानत है। अब सादा सी बात है, यहाँ तो पिंडी में तकरीर हो रही है, कुछ हमारे बुजुर्ग भी तशरीफ फरमाए, मैं मसलहतन नाम मेंबर से लेता नहीं, जनरल हैं और हजरात हैं। अब एक स्ट्रेटजी होती है, इनसे रोज का मिलने वाला भी मुमकिन नहीं है कि बरसर आम कह दे कि मेरी तो उनसे रोज मुलाकात होती है। जिस दिन उसने इजहार किया उसी दिन उसकी मुलाजिमत खत्म हो जाएगी। तुमको इसलिए थोड़ी रखा है कि तुम बताओ कि मुझसे मरबूत हो, मसलहत के खिलाफ है, मिशन के खिलाफ है। इसलिए दुनिया में कोई भी दावा करे
कि मैं आका से मिलता हूं, मुलाकात होती है, जो आपकी हाजत हो मुझे बताइए, समझ लीजिए कि वो झूठा है, उसे झुटलाइए। शरीयत का हुक्म है, हुक्म है शरीयत का, वो झूठा है, कज़्ज़बू, उसको झुटलाओ। तवज्जो है, इसलिए कि जब मुलाकात होती है तो जबानों पर मोहर लगा दी जाती है। मुमकिन नहीं है कि लबकुशाई हो जाए, अमानतदारी के खिलाफ है, दयानतदारी के खिलाफ है, आशिकाना आदाब के खिलाफ है। इसलिए ऐसे हजरात की फिक्र ना करें जो दावा खुद करते रहते हैं कि मुझसे इमाम से रब्ते खास है। ये कहना कि रब्ते खास है दलील है कि कोई रब्ते खास नहीं है। आप आपस में देख लें, जो वाकई आपसे रब्ते खास रखता होगा वो थोड़ी कहता फिरेगा कि मैं रब्ते खास रखता हूं। कभी कभी कहीं कोई मुलाकात हो गई होगी, वो कहेगा कि मैं रब्ते खास रखता हूं। उमूमन ये होता है। ये मसला इसलिए अहम है कि इससे हर दौर में, हर दौर में कुछ लोग महदी बन के पैदा होते रहे, हर दौर में ऐलान करते रहे, दुआ करते रहे, दावा करते रहे, लेकिन ये दावा करने वाले सब न महदी का दावा करने वाले सच्चे हैं और न उनसे मुलाकात का दावा करने वाले सच्चे हैं। हाँ, जिन बुजुर्गों पर लुत्फ व इनायत फरमाते हैं, करम फरमाते हैं, वो बात मालूम हो जाती है, वो दूसरे जराए से मालूम होती है। खुद वो जब तक जिंदा रहते हैं कभी नहीं कहते कि मेरी मुलाकात हुई। मुकद्दस अर्दबेली मशहूर व मारूफ शख्सियत है। मुकद्दस अर्दबेली मालूम है मुकद्दस क्यों कहलाते थे? नजफ अशरफ में रहते थे, उस जमाने का नजफ अशरफ, आज से पूरे 500 बरस पहले, 550 बरस पहले नजफ अशरफ में, उस जमाने में न बिजली थी, न पानी का ये इंतजाम था, नमाज शब के लिए उठते थे कोई भी मौसम हो, अपने हाथ से कुएं से पानी खींचते थे। एक मर्तबा नमाज शब के लिए उठे और डोल डाला कुएं में, निकाला तो देखा कि उसमें जरो जवाहर है, कोई नहीं देखने वाला है, रात का वक्त है, सन्नाटा है, झुंझला के उलट दिया। परवरदिगार, मैं पानी चाहता हूं वजू के लिए, जरो जवाहर नहीं चाहता। पानी चाहता, ये जिंदगी का एक वाक्य, वो भी किसी शागिर्द ने देख लिया, छुपकर देख लिया तो बयान कर दिया। खुद मुकद्दस ने नहीं कहा कि मेरे साथ ये वाकया हुआ, किसी शागिर्द ने देख लिया तो बयान कर दिया। ये मुकद्दस हरम ए अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम में तशरीफ, एक शागिर्द चाहने वाला शागिर्द वो भी बेदार हो गया और वो पीछे पीछे चला, देखा कि दरवाजे हरम के बंद हैं, खुद ब खुद खुल गए। मुकद्दस दाखिल हुए, ज़ियारत पढ़ी, सलाम किया, आका के सामने कुछ सवाल रखे तो कब्र अमीरुल मोमिनीन से आवाज आई, मुकद्दस तुम अब मुझसे आज ये सवालात ना करो, अपने वक्त के इमाम से जाकर सवाल करो, जाओ मस्जिद कूफा में, मेहराब इबादत में मौजूद है मेरा बेटा, उनसे पूछो। गए
मुखा तशरीफ ले गए, सवाल किया, जवाब मिला, पलटे तो देखा शागिर्द खड़ा है। कहा तुमने ये क्या किया? खबरदार, जब तक मैं जिंदा हूं कभी जबान पर यह बात ना आए। तवज्जो है, खुद नहीं बयान किया, शागिर्द की जबान पर भी मोहर लगा, जब तक मैं जिंदा हूं यह बात जबान पर ना आए। तवज्जो है, तब इंसान मुकर्रब बारगाह बनता है, तब इंसान अमानतदार बनता है। ख्वाब में ज़ियारतें होती हैं, मुहक्किक को मुहक्किक का लकब किसने दिया? एक एक वाक़े में कई कई पैगामात हैं, हालांकि पहले से ज़हन आमादा नहीं था कि मैं ये वाक़ियात बयान करूंगा, मगर बहर अर्ज कर दूं। मुहक्किक हिल्ली साहिब शराय उल इस्लाम, उनको मुहक्किक का लकब किसने दिया? इमाम ने लकब दिया है। किस तरह दिया? तवज्जो रहे, बाज मसाइल रोज पूछे जाते हैं, क्या हम नमाज में ये घटा सकते हैं, क्या नमाज में ये बढ़ा सकते हैं, क्या हम अपनी तरफ से ये पढ़ सकते हैं, रोजाना पूछे जाते हैं सवाल। दीन में शरीयत में आप अपनी तरफ से कुछ भी न घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं। तवज्जो रहे, इश्क के आदाब में सबसे बड़ा आदब बंदगी है, इताअत, इताअत फरमा बरदारी, सरकशी नहीं, जिद नहीं, बंदगी है। कोई जनरल साहब हो और उन्होंने अपना घर एक जगह ऐसा बनाया हुआ हो कि उस पर नाम न लगाया हो, नेम प्लेट ना हो, और अपने गार्ड्स वहां बैठा दिए हो और कहा हो कि देखो तुम यहां खड़े रहोगे मगर कभी मेरा नाम नहीं लोगे जबान पर, तुम मेरे मुहाफिज हो, मेरा नाम नहीं लोगे। अब वो इश्क और मोहब्बत के खातिर नाम लेना शुरू कर दें, जहां मना किया गया है, जहां मना किया गया है वहां भी नाम लेना शुरू कर दें। क्या इश्क है? वो कहेंगे हाँ ठीक है इश्क होगा मगर तुम हमारे लायक नहीं हो, हम तुम पे भरोसा नहीं कर सकते, हम इसलिए भरोसा नहीं कर सकते कि जो हमने कहा है बस उसी पर अमल चाहिए, उससे आगे नहीं। तवज्जो है, ये दीन का मिजाज कैसे बन सकता है? लोग कहते हैं साहब आपको मालूम नहीं, मैं करीब हूं अल्लाह से, मैं मौला से करीब हूं, मुझे मालूम है, मुझसे ख्वाब में आके मौला ने फरमा दिया है कि तुम ये कह सकते हो, तुम इस तरह मसलन कलमा पढ़ सकते हो, तुम उस तरह नमाज पढ़ सकते हो। अब मैं अर्ज कर रहा हूं, छोटा सा मसला है, छोटा सा, वो बच्चे जो सिने तमीज तक ना पहुंचे हों, जिनसे हुरमत मस्जिद महफूज ना रहे, ऐसे बच्चों को मस्जिद में लाना मकरूह है। तवज्जो है, जो बच्चे मुमय्यिज़ हों, तमीज सिने तमीज तक पहुंच गए हों, चाहे बालिग न हुए हों, उन्हें मस्जिद में लाना मुस्तहब है ताकि वो आए और नमाज सीखें, आदाब इस्लामी सीखें। लेकिन जो सिने तमीज तक ना पहुंचे हों उन्हें मस्जिद में लाना मकरूह है, हराम नहीं है, मकरूह है, सिर्फ मकरूह है। मुहक्किक हिल्ली मस्जिद में दर्स कहा करते थे, एक दिन देखा मस्जिद में दर्स के वक्त कुछ बच्चे आ गए, नादान बच्चे जो खेल रहे हैं, मस्जिद की हुरमत बाकी नहीं है। दर्स रोका, कहा बच्चों को मस्जिद से निकाल दो। दिल जिगर थाम के सुनिएगा वाकया, बच्चों को मस्जिद से निकाल दो। शागिर्द उठे, फौरन उन्होंने इताअत की, मस्जिद से निकाल दिया। घर आए इस्तिराहत फरमाने के लिए, जब लेटे आंख लगी, ख्वाब में देखा कि इमाम आसर तशरीफ लाए। और बस फरमाते हैं कि क्यों?
तुमने बच्चों को मस्जिद से क्यों निकाल दिया? आंख खुल गई, कोई और होता तो उसकी क्या कैफियत होती है? गौर किया, दूसरे दिन फिर मस्जिद में गए, फिर यही वाकया पेश आया, फिर बच्चों को निकलवा दिया। बच्चे खेलते हुए आ गए मस्जिद में, कहा नहीं बच्चों को निकाल दीजिए। फिर आए, फिर ख्वाब में देखा। एक एक फर्द सुन के जाए दीन कैसे बाकी है। तीन दिनों तक वो ख्वाब में देखते रहे और तीसरे दिन ख्वाब ही में जुरत की, का आका मैं आपका गुलाम हूं, मगर आप जिंदगी भर ख्वाब में आकर पूछेंगे तो मैं बच्चों को मस्जिद से निकालता ही रहूंगा, इसलिए कि अगर आज मैं अपने ख्वाब की बुनियाद पर कोई साबित हुक्म शरी बदल दूं तो न जाने कितने झूठे ख्वाब देखने का दावा करने वाले पैदा हो जाएंगे और आपके आबाओ अजदाद का दीन महफूज नहीं रहेगा। आका 11 मासूमों से जो मिली है मीरास वो महफूज कैसे रहेगी? इमाम ने कहा तुम मुहक्किक हो, तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए। इम्तिहान में कामयाब हो गए, तुम मुहक्किक हो। ऐसे ही लोग दीन को महफूज रख सकते हैं। 14 मासूम है ना, 13 मासूमों की मीरास हम तक पहुंची है और हमारे यहां उसूल यह है कि जो पहला मासूम कहेगा वही दूसरा मासूम कहेगा, वही तीसरा मासूम कहेगा। हमारे यहां मासूमीन के कलाम में तजाद नहीं हो सकता, हुक्म में तजाद नहीं हो सकता। ये कैसे मुमकिन है कि पहले कहा गया हो कि नादान बच्चों से मस्जिद को महफूज रखो और बाद में इजाजत दे दी जाए? मुमकिन नहीं है ना, मुमकिन नहीं है। तो ख्वाब की बुनियाद पर, मुशाहिदे मुकाशफे की बुनियाद पर हुक्म शरई नहीं बदल सकता। नमाज हमारी और आपकी तसनीफ की हुई नात व मनकबत नहीं है। आपने तसनीफ की है? नमाज सनाए इलाही है, नमाज नात मुस्तफा है, नमाज मनकबत आले मोहम्मद है। सुनो, गौर से सुनो क्या कह रहा हूं, दीवाना नहीं हो गया हूं। और अगर कोई कहे कि दीवाना हो गया हूं तो मैं कहूंगा मैं बहुत सोच समझ के दीवाना हुआ हूं। नमाज सना इलाही है, हमद इलाही है, नमाज नात मुस्तफा है, नमाज मनकबत आले मोहम्मद है। बर्दाश्त करो जो एक जुमला कहूं, नमाज ऐन तवल्ला है, नमाज ऐन तबर्रा है। الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم تولى غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبرى یہ نماز حمد ہے ثنا ہے نعت ہے منقبت ہے مگر آپ کی تصنیف نہیں ہے کسی شاعر کی تصنیف نہیں ہے کسی ادیب کی تصنیف نہیں ہے किसी हम में से उभर कर आगे बढ़ने वाले मुज्तहिद की तसनीफ नहीं है, किसी आरिफ की तसनीफ नहीं है, किसी सूफी की तसनीफ नहीं है। नमाज तसनीफ है तो मुहम्मद की तसनीफ है। अमल मुस्तफा है नमाज, सीरत मुस्तफा है नमाज। इसमें कोई कमी कर सकते हैं तो मुस्तफा, कोई इजाफा कर सकते हैं तो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हम तो बंदगी के लिए पैदा हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि मौला अली का नाम लेने से नमाज बातिल हो जाती है, नहीं, नाम लेने से नमाज बातिल नहीं होती, सुने जुमला, नाम लेने से नमाज को मेराज हो जाती है, मगर वैसे नाम लो जैसे नाम लेने के लिए कहा गया है। हम कुनूत में नाम लेते हैं, हम रुकू में नाम ले सकते हैं, हम सजदे में नाम ले सकते हैं, मगर उन आदाब के साथ जो आदाब सिखाए गए, जो जुमले सिखा दिए गए, अपने तरफ से कोई जुमला क्वाइन नहीं कर सकते। तवज्जो रहे, अब वो जुमले सिखाए गए, उन जुमलों का इल्म किसे है? उलमा की तकलीद करें। अल्लाह तक पहुंचने के लिए रसूल तक पहुंचना जरूरी है, रसूल तक पहुंचने के लिए अली तक पहुंचना जरूरी है, अली तक पहुंचने के लिए सलमान और अबू जर तक पहुंचना जरूरी है। निजाम है, विलायत का निजाम, विलायत की हकीकत मुनहसर है ज़ाते अहदी में। इन्नमा वलीयुकुम अल्लाह व रसूलुहू, अल्लाह की जात में विलायत मुनहसर है। अल्लाह है वली, और उसके बाद वो वली है जिसे अल्लाह वली बनाए। तो अल्लाह का रसूल वली है, अल्लाह के रसूल के बाद अली वली है, अली के बाद अइम्मा वली हैं, और अइम्मा के बाद वो मुज्तहिदीन और फुकहा विलायत रखते हैं जो आदिल फुकहा हैं। आदिल यानी अमानतदार, आदिल यानी वफादार, मुज्तहिदीन फुकहा, मुज्तहिद जामे शरायत, उनकी तकलीद के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप कहते हैं तकलीद बयात है, नहीं, बेमारिफती है आपकी। मुज्तहिद की तकलीद होती है, बयात नहीं होती। इमाम की बयात होती है, तकलीद नहीं होती। बहुत से पैदा हो गए साहब, हम तो उलमा को जानते ही नहीं, हम तो बराह रास्त इमाम ज़माना की तकलीद करते हैं, उसकी तकलीद करते हैं जिसे देखा नहीं, जिसे देख नहीं सकते। इमाम की तकलीद नहीं होती, इमाम की तो बयात होती है। इमाम के हाथों पर नफ्स को बेचा जाता है, बयात यानी नफ्स को बेच देना। मुज्तहिद की तकलीद होती है, बयात नहीं होती, इसलिए कि मुज्तहिद मासूम नहीं होता। मुज्तहिद के हाथ हम अपना नफ्स नहीं बेच सकते। मुज्तहिद की तकलीद होती है, यानी मुज्तहिद से पूछते हैं, उसके पूछ कर अमल करते हैं, यानी मुज्तहिद की तकलीद हमारे नफ्स की तरबियत करती है, हमारा नफ्स इस लायक हो जाए कि इमाम के हाथों बेचा जा सके। बस अब मैं एक रिवायत, अब तसलसुल कलाम में जो बात जहन में आ गई, अर्ज कर रहा हूँ, जो कुछ जहन में था वो तो मौजू से, अब चूंकि बार बार सवालात आते हैं तो जवाब भी देना मेरे ऊपर फर्ज है, इसलिए जवाब दे रहा हूं। देखिए, शुरू से एक सिलसिला रहा है। हजरत अबू जर जब ईमान लाए थे तो मालूम है कैसे ईमान लाए थे, क्या निजाम था। हजरत अबू जर ने सुना, किसी भी जरिए से सुना, किसी भी वसीले से सुना, कि मक्के में एक नबी ने नबुवत का ऐलान किया है। दिल में मोहब्बत पैदा हो गई, आए मक्के, मस्जिदुल हराम में आए, खाने काबा के गिर्द देखा कुछ लोग बैठे हुए, और नबी का नऊज़ बिल्ला मजाक उड़ाया जा रहा है, तजहीक इस्तेहजा, और उनके खिलाफ मंसूबे बन रहे हैं। खामोश रहे, देर तक बैठे रहे, पूरा दिन तकरीबन गुजर गया।
उसके बाद देखा कि कोई आ रहा है वजी हो शकी, चेहरे पे अजीब रौब है, और ऐसा रौब है, ऐसी हैबत है कि जैसे ही वो शख्सियत आई सब ने आपस में कहा खामोश हो जाओ, उसका चचा आ गया। चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, उसका चचा आ गया। क्या शजाअत थी अबू तालिब की। मैं अपना बहुत पुराना जुमला नकल कर रहा हूँ, आज जब तबीयत कमज़ोर होती है तो पुराने जुमले याद आते हैं, शेर याद आते हैं। अबू तालिब वो शजा है जिसकी शजाअत तकसीम हुई तो दो अंदाज में जाहिर हुई। पैगंबर ने जिंदगी भर तलवार नहीं उठाई और ये वो शान थी जो अबू तालिब की शान थी। अबू तालिब ने तलवार नहीं उठाई। तारीख याकूबी उठा के देखिएगा, हरबुल फिजार एक जंग हुआ करती थी, फिस्क फजूर के खिलाफ एक जंग हुई थी जिसमें बनू हाशिम आगे आगे थे। जब जंग होती थी तो हजरत अबू तालिब कभी मैदान में जाते थे, कभी नहीं जाते थे, कभी जाते थे कभी नहीं जाते थे, अमलन तो जंग में हिस्सा लिया ही नहीं, बस चले जाते थे। तो तारीख में एक जुमला है कि लोग आके कहते थे कि आप आ जाया कीजिए जरूर, आप जब आ जाते हैं तो हमें फतह मिलने लगती है। खुदा खुदा की कसम, तारीख का जुमला है। अबू तालिब सिर्फ महाज पर पहुंच जाते थे तो फौज फतह याब होने लगती थी, तलवार उठाने का जिक्र नहीं है। ये शान हमें नजर आती है पैगंबर में। पैगंबर की सीरत में है कि आपने खुद कभी तलवार नहीं उठाई, मगर अमीरुल मोमिनीन का एक अजीब व गरीब जुमला है, कहते कौन है जो मेरे हबीब मुस्तफा खुदा के रसूल की शजाअत का अंदाजा कर सके। इसलिए कि जब जंग शदीद तरीन लम्हों में होती थी तो दुश्मन से करीब तरीन नुक्ते पर पैगंबर खुद हुआ करते थे और हम लोग पैगंबर के पास जाकर पनाह लेते थे। नहजुल बलागा में, नहजुल बलागा में ये जुमला है, जब जंग बहुत ज्यादा दहक रहे हो, भड़क रहे होते थे जंग के शोले, जब अंगारे दहक रहे होते थे तो दुश्मन से करीब तरीन पॉइंट पर, करीब तरीन नुक्ते पर खुद पैगंबर होते थे और हम लोग जाकर उनके पास पनाह लेते थे। ये शजाअत मुस्तफा है। पैगंबर में जो शजाअत आई वो उससे अंदाजा होता है कि अबू तालिब की शजाअत क्या होगी। अब अगर कोई पूछे कि अबू तालिब तलवार उठा लेते तो क्या होता, उसका जवाब अली ने दिया, बद्र में दिया, ओहद में दिया, खैबर में दिया, खंदक में दिया, अबू तालिब तलवार उठा लेते तो ये होता। तारीख पढ़ रहा हूं, तारीख शायरी नहीं, तारीख। तो हज़रत अबू तालिब की ये शान थी, ये रौब था, ये हैबत थी, ये दबदबा था, ये जाह था, ये जलाल था, जब किसी और का नहीं, जुल जलाल का दिया हुआ जलाल। फौरन कहते थे कि खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, चचा आ गया। और हज़रत अबू ज़र ने देखा ये मंजर कि जब तक नहीं थे, एक फर्द नहीं था, पूरा मक्का बुराइयां कर रहा था, एक अबू तालिब आ गए, सब पे सुकूत तारी हो गया। हजरत अबू तालिब तशरीफ लाए, कुछ देर बैठे और जितनी देर बैठे रहे किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई उस मौजू पे गुफ्तगू करता। उसके बाद जब उठ के जाने लगे तो अबू जर उनके पीछे पीछे हो लिए। हजरत अबू तालिब ने काबे का तवाफ किया और जब आगे बढ़े तो देखा एक शख्स मेरे पीछे आ रहा है, तो रुके, कहा कोई हाजत है, कहा हाँ, क्या हाजत है, कहा मुझे नबी से मिलना है।
सुनिएगा, कहा ठहरो कल यहीं मिलना, चले गए। दूसरे दिन हजरत अबू जर ने इंतजार किया और वही मंजर, सुबह से सब पैगंबर के खिलाफ बातें होती रहीं और जैसे ही अबू तालिब को आते हुए देखा सब खामोश हो गए। हजरत अबू तालिब तशरीफ लाए, बैठे, उसके बाद जब उठ के जाने लगे फिर अबू जर पीछे पीछे चले, फिर उसी अंदाज से पूछा कोई हाजत है? कहा हाँ। तो क्या हाजत है? कहा वो नबी। कहा अच्छा आओ मेरे साथ। अपने साथ लेके चले और जाके एक घर में छोड़ दिया। हजरत अबू जर कहते हैं वहां हमजा से मुलाकात हुई। हजरत हमजा ने कहा कि कोई हाजत है? कहा हाँ। क्या हाजत है? कहा नबी से मिलना है। कहा नबी का जो पैगाम है उस पर ईमान लाए हो? लाओगे, तस्दीक करोगे? कहा बेशक, मैं तस्दीक के लिए आया हूं। कहा अच्छा ठहरो। हजरत हमजा ने उन्हें एक और घर में ले जाके पहुंचाया। उन्होंने पूछा तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या हाजत है? कहा नबी से मिलना है, ये हजरत जाफर हैं। सिक्योरिटी का निजाम देख रहे हैं? रिवायत रिवायत। कहा के क्या मकसद है? कहा नबी से मिलना है। कहा तस्दीक कर के लिए आयो? कहा हाँ तस्दीक के लिए। जनाब जाफर एक और घर में ले गए, वहां अली मिले। अभी नबी नहीं मिले, वास्ते देखा। वास्ते देखा, वसीले देखा, अबू तालिब, हमजा, जाफर, अली, फिर मुस्तफा। हजरत अली ने फिर वही सवाल किया, कहा के क्या गरज है, क्या हाजत है? कहा हाजत यह है कि नबी से मिलना है। कहा तस्दीक के लिए आए हो? कहा जी बिल्कुल तस्दीक के लिए आया, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है, पैगंबर उसके रसूल। उसका पस मंजर है कि किस मुआजजे के तौर पर खबर मिली थी हजरत अबू जर को। मैं तो सिर्फ अर्ज कर रहा हूं कि इमाम तक या नबी तक पहुंचने के लिए बराह रास्त कोई वसीला नहीं होता, उसके लिए नफ्स की तरबियत जरूरी है, नफ्स की तरबियत जरूरी है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने जब इत्मीनान हासिल कर लिया तो पैगंबर की खिदमत में पेश कर दिया और पैगंबर ने कहा कि तौहीद पेश की, नबूवत पेश की, मारिफ दीन पेश किए और उसके बाद कहा चले जाओ, वहीं खबर दी, कहा जब तुम पलट के जाओगे तो तुम्हारा एक अजीज मर चुका होगा, उसका इंतकाल हो चुका होगा, उसकी मीरास तुम्हें मिलेगी, उसकी हिफाजत करना, तुम अपने कबीले में अपनी जगह रहना और उसके बाद जब ये दीन जाहिर हो जाए तब मेरे पास आ जाना। भाई इस एक रिवायत को समझ लीजिए तो समझ में आ जाएगी बात कि सबसे पहले ईमान आने वाले कौन थे, कितने थे। कौन थे, कितने थे, क्या निजाम था, हुजूर की क्या सिक्योरिटी थी जब तक हजरत अबू तालिब जिंदा रहे। यूं ही थोड़ी हजरत अबू तालिब के अमल को खुदा ने अपना अमल करार दिया है। जनाब अबू तालिब के मरातिब अलग हैं, दरमियान में बात आ गई तो मैं अर्ज करता चला। किस लिए अर्ज कर रहा था? हुजूर तक पहुंचने के लिए अबू जर को कितने वास्तों से गुजरना पड़ा, पहले हजरत अबू तालिब, फिर हजरत हमजा, फिर हजरत जाफर, फिर हजरत अली, फिर पैगंबर। पैगंबर मासूम है, अली मासूम है, जाफर तो मासूम नहीं है, हमजा तो मासूम नहीं है। हमजा और जाफर की तकलीद किए बगैर मुस्तफा की बैत नहीं हो सकती। Allah 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 Allah
आज अगर इमाम से वाबस्ता होना है, इमाम जमाना से वाबस्तगी की पहली शर्त यह है कि जो नायब आम है पहले उसकी इताअत करो। डिसिप्लिन तो सीखो, डिसिप्लिन है, अदब है, शरीयत के अहकाम पे अमल करना है। बहरहाल जवानान अजीज, मैं खुलासे के तौर पर अर्ज कर रहा हूँ, फवाइल आप सुनते रहते हैं, मसाइब आप सुनते रहते हैं, लेकिन अहकाम की तरफ भी तवज्जो दें। अहकाम सीखें, अपने को इस लायक बनाएं कि सरकार की हुकूमत में कोई मुलाजमत मिल जाए, इस लायक बनाएं। और बस अब बहुत सी बहसें हैं, एक मजलिस में तो सब सिमट नहीं सकती बहसें। एक चीज आप सुनते रहते होंगे कि इमाम आएंगे तो खूब कत्ल करेंगे, और किस लिए कत्ल करेंगे? लोग कहते हैं कि अपनी हुकूमत कायम करने के लिए। नहीं, जब इनके जद ने अपनी हुकूमत के लिए कत्ल नहीं किया, इनके जद ने अपनी हुकूमत कायम करने के लिए तलवार नहीं उठाई, तो ये अपनी हुकूमत के लिए तलवार कैसे उठाएंगे? इस घराने का शेवा ये है कि ये तलवार उठाते हैं सिर्फ कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए। ये हकीकत तौहीद को पूरे तौर पर आश्कारा करने के लिए और निजाम दीन को कायम करने के लिए अदल व इंसाफ की खातिर तलवार उठाएंगे, अपनी हुकूमत के लिए तलवार नहीं उठाएंगे। फर्क है दोनों में, बहुत फर्क है। जरा सी ताबीर बदल जाए तो बात कुछ की कुछ हो जाती है। यह कहना कि अपनी हुकूमत कायम करने के लिए तलवार उठाएंगे गलत ताबीर है। निजाम आदल कायम करने के लिए, निजाम आदल कायम करने के मानी क्या है? यानी मजलूमों की हिमायत के लिए। अब यहां ठहर कर एक बड़ी इल्मी बहस है उसकी तरफ इशारा कर दूं। एक तो तबीयत साथ नहीं दे रही है, सीने में दर्द हो रहा है, और दूसरी तरफ वक्त गुजर चुका, मगर फिर भी मैं एक जुमला कहकर आगे बढ़ूंगा। वक्त खत्म हो चुका तकरीबन, बल्कि शायद ज्यादा हो चुका। न जाने कितने शुकूक शुभात सवालात होते हैं, उनमें से एक सवाल यह भी है कि आखिर आप कहते हैं कि हैं और पर्दे गैब में हैं, तो ऐसे होने से फायदा क्या है? ये कोई नया सवाल नहीं है, मैं इसके दो जवाब अर्ज कर रहा हूं, एक रिवायत से एक दिरायत से। एक रिवायत से एक दिरायत से। रिवायत क्या है? जब खुद हुजूर ने ऐलान किया था कि मेरे बाद मेरे 12 जानशीन होंगे, पहला उनमें का अली इब्ने अबी तालिब होगा, आखिरी उनमें का महदी होगा जिसका नाम मेरा नाम होगा, कुनियत मेरी कुनियत होगी, और वो एक तवील अरसे तक गैबत में रहेगा और तब जहूर करेगा जब बहुत से दिलों में शुकूक और शुभात पैदा हो जाएंगे, बे यकीनी की कैफियत पैदा हो जाएगी, तब जहूर फरमाएगा कयामत के करीब, और फिर वो रुए जमीन को पुर कर देगा अदल और इंसाफ से, उसी तरह जिस तरह रुए जमीन पर जुल्म और जोर फैला हुआ होगा। पूछने वालों ने फौरन उठ के पूछा, या रसूलल्लाह इतनी तवील गैबत में फायदा क्या होगा? हुजूर की हदीस है इसलिए नकल कर रहा हूं। हुजूर ने फौरन बताया, समझाया एक महसूस मिसाल देकर, कहा कभी तुमने देखा है कि सूरज निकला हुआ होता है और उसके आगे बादल होता है? सूरज के आगे अब्र होता है, बादल होता है, सूरज अब्र के पीछे छुपा हुआ होता है, उसके बावजूद उसका फैज जमीन तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता? जो दाने बोते हो जमीन में, जो खेती करते हो, उसे सूरज की हरारत और रोशनी पहुंचती है या नहीं पहुंचती है? हालांकि सूरज बादल के पीछे होता है। और हमारे यहां हुजूर ने यह जवाब दिया, और यह जवाब हमेशा के लिए काफी है। अब मैं एक दिरायत की मिसाल दे रहा हूं इसी हदीस की वजाहत के लिए। जबर तारीख के बहुत कायल हैं लोग, जबर तारीख के बहुत कायल हैं, और खास तौर से मार्क्सिज्म। अगरचे मार्क्सिज्म की हुकूमत खत्म हो चुकी,
मगर फिर भी अभी भी उसके बहुत नाम लेवा मौजूद हैं, उसकी वकालत करते हैं। कहते हैं जैसा माहौल होता है वैसा ही इंसान होता है। तवज्जो है, मैं एक जुमला कह रहा हूं। कुरान मजीद में एक आयत है सूरह मुबारक है कसस में, यह भी याद रखिएगा। मैंने कहा सूरह कद्र इमाम असर से ताल्लुक रखता है, सूरह कौसर भी इमाम असर के वजूद पे दलालत करता है, सूरह मुल्क मैंने कहा कसीदे इमाम महदी है, सूरह कसस वो भी कसीदे इमाम महदी है। सूरह कसस की पांचवी आयत है वनुरीदु अन नमुन्ना अलल लदीना इस्तुज़ईफु फिल अर्ध वनजअलहुम अइम्मतन वनजअलहुमुल वारिसीन। हमारा इरादा यह है कि जिन लोगों को रूए जमीन पर कमजोर बना दिया गया है उन्हीं को हम इमाम बनाएं, उन्हीं को जमीन का वारिस बनाएं। यह आयत अपनी जगह, यह तो खास इमाम की शान में है ही, मगर मैं अर्ज कर रहा हूं रूए जमीन पर जब भी कोई जाबिराना निजाम होता है, तवज्जो रहे, जब भी कोई जाबिराना निजाम होता है तो जाबिराना निजाम क्या करता है, तवज्जो है, या आपके इमरानियात सियासियात समाजियात से मुताल्लिक गुफ्तगु है। होश बेदार होना चाहिए। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं आपकी जहानत और आपके ऊपर एतमाद करके। मेंबरों से गुफ्तगू बड़ी जिम्मेदाराना होनी चाहिए। हमारे बाज़ ज़ाकिरों की कोशिश ये होती है इतने मसाइब पढ़ो कि सुनकर मजमा बेहोश हो जाए। इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी थी होश में लाने के लिए, बेहोश करने के लिए नहीं। जवानाने अजीज बुजुर्गाने मोहतरम, हुसैन ने कुर्बानी दी थी इंसानों को होश में लाने के लिए, बेहोश करने के लिए नहीं, होश में लाने के लिए। तो एक बात समझ के जाएं, समाजी हकीकत है, तारीखी हकीकत है, जब कोई जाबिराना निजाम कायम होता है तो क्या होता है, जालिम खजाना उसके पास होता है, फौज उसके पास होती है, असलहे उसके पास होते हैं, और जोर और जर दोनों का इस्तेमाल करके, यानी पैसे और असलहे दोनों का इस्तेमाल करके इंटेलेक्चुअल्स को खरीद लिया जाता है, स्कॉलर्स को खरीद लिया जाता है, उलमा को खरीद लिया जाता है, अहले कलम को खरीद लिया जाता है, शुआरा को खरीद लिया जाता है, जो बिकता नहीं उसकी जबानें कटवा दी जाती हैं, है ना। जालिम और जाबिर के पास सब कुछ होता है, मजलूम के पास कुछ भी नहीं होता। तारीख की सच्चाई है ना, उसके बावजूद ये कैसे होता है कि दुनिया का जालिम तब मजलूम तबका फिर भी सर उठाता है। कौन है जो मजलूमों को हिम्मत दिलाता है, कौन है जो मजलूमों को हौसला दिलाता है, कौन है जो मजलूमों को इनकलाब पर उकसाता है। जिस तरह बादल के पीछे सूरज जर्रों को पकाता है, परवान चढ़ाता है, इसी तरह पर्दे गैब में बैठकर वली आसर मजलूमों की हिमायत करता है। दुनिया में कहीं भी जुल्म हो रहा हो, कहीं भी, इस्लाम शर्त नहीं है, मुसलमान शर्त नहीं है, रूए जमीन पर कहीं भी शर्क और गर्ब में कहीं भी जुल्म हो रहा हो, किसी जगह जुल्म हो रहा हो, पर्दे गैब में बैठा हुआ वली ये आसर मजलूमों की हिमायत करता है। मजलूम के दिल में कुव्वत आती है, ये कुव्वत कहां से आती है, मजलूमों में जुर्रत कहां से आती है, मजलूम कैसे लब कुशाई करता है, वली आसर है, वली आसर का वजूद ये वजूद है कि जो मजलूमों की हिमायत करता है। और फरमाया
उनके वजूद का इनकार नहीं किया जा सकता। बस गुफ्तगू यहां तक आ गई, अब गुफ्तगू का दामन समेट लो। लेकिन वली आसर की फौज में शामिल होने के लिए अदब है, आदाब है, कवानीन है, शरीयत है, डिसिप्लिन है, तरीकत है, इस सब की पाबंदी लाजिम है। बस आप लोग मसाइब सुनते हैं, फजाइल सुनते हैं, रोते हैं, रोना तो इबादत है, और बे इख्तियार आंखें आंसू बरसाती हैं। इन आंखों को देखिए, मैंने एक जुमला कहीं कहा था, फिर अर्ज कर रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, इल्मी मसाइल समझने के लिए अकल की आंखें होती हैं, इरफानी मसाइल समझने के लिए दिल की आंख होती है। इन आंखों से इल्मी मसले हल नहीं होते, इन आंखों की पूंजी सिर्फ आंसू है। ये आंखें दी ही गई हैं हुसैन पर रोने के लिए। इल्मी मसले अकल की आंखों से हल होते हैं, इरफान और हिकमत की बातें दिल की आंखें चाहती हैं। इन आंखों की कुल पूंजी क्या है? आंसू। ये सिर्फ हुसैन के लिए दी गई हैं आंखें। ये रोएंगी, जिक्र होगा, मगर हर जिक्र में दर्स है, नसीहत है। आप कहते हैं तकलीद जरूरी नहीं है, अहकाम का सीखना जरूरी नहीं है। हमारी खवातीन गौर करें, हमारे मर्द गौर करें, बीबी जैनब से ज्यादा आलिमा कोई होगी? बीबी जैनब से ज्यादा आलिमा कोई होगी? बीबी जैनब किस लम्हे में, किस वक्त? रोजे आशूरा जब खैमों में शोले भड़क रहे हैं, दुश्मनों ने खैमों में आग लगा दी, शोले भड़क रहे हैं, एक खैमे से बीबियां दूसरे खैमे में जाती हैं, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे में जाती हैं, तीसरे खैमे से चौथे खैमे में जाती हैं, यहाँ तक कि सब बीबियां उस खैमे में इकट्ठा हो गईं जहां सैयद सज्जाद थे। और उसके बाद बीबी ने पूछा, ए बेटा सैयद सज्जाद, तुम इमाम वक्त हो, ये बताओ कि हम जलते हुए शोलों में, जलते हुए खैमों में, भड़कते हुए शोलों में जल के राख हो जाएं, मर जाएं, या बेरेदा खैमों से बाहर निकल जाएं? मसला दरियाफ्त करना, दर्स देना है, दर्स देना है। मैं अर्ज किया करता हूं कि बीबी जैनब ने तो करबला में वो कारनामा अंजाम दिया है कि जो सरकारे रिसालत माँ का कारनामा था। इमामत का ऐलान नबूवत के हाथों में होता है, नबूवत की जबान से होता है। अली अव्वल की इमामत का ऐलान रसूल ने किया था, दावत जुलशीरा में किया, मैदान गदीर में किया। जिंदगी में कई मौाक़े पे ऐलान किए हैं ना, मगर पहला ऐलान दावत जुलशीरा में हुआ था। दावत जुलशीरा में ऐलान के मानी है कि अपने कुनबे के दरमियान ऐलान हो रहा है कि मैं रसूल हूं, ये इमाम। तवज्जो है। मैदान गदीर में ऐलान के मानी यह है कि रसूल कह रहे हैं मैं रसूल हूं, ये इमाम, ताकि अपनों परायों सबको मालूम हो जाए। दोनों फरीजे जैनब ने अदा किए हैं करबला में। खैमे जब जल रहे थे, पूरा कुनबा सिमट आया था, बड़े और छोटे बच्चे सब थे। जैनब पर एक फरीजा था, ये बता देना बच्चों, हुसैन की शहादत के साथ इमामत खत्म नहीं हो गई। इसलिए जैनब ने सवाल करके ऐलान किया, बेटा तुम इमाम वक्त हो, बताओ मसला, बताओ हुक्म खुदा, बताओ। असल मकसद हुक्म पूछना नहीं था, ऐलान इमामत है, बेटा तुम इमाम वक्त हो। ये तो ऐलान जैनब ने उस वक्त किया है जब सिर्फ जैनब का कुनबा था, है ना? अल्लाह अकबर।
अल्लाह रे मंजिलत ज़ैनब, उसके बाद ज़ैनब असीर है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पांव में बेड़ियां हैं, रसन बसता है ज़ैनब। और बस मैं कैसे जुमला अदा करूं, देखिए आप मसायब के वाकयात सुनते हैं, मैं छोटे छोटे फिक्रे पे गौर करता रहता हूँ, पूरी पूरी रात तड़पता रहता हूँ। तारीखों में ये है ना कि पूरे कुनबे को असीर किया और असीर करने के बाद बेकजावा ऊँटों पर बैठाया, सैयद सज्जाद को हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहनाई और उसके साथ क्या किया, उन नाकों की मिहार सैयद सज्जाद को पकड़ा। ये मिहार पकड़ना हथकड़ियों बेड़ियों से ज्यादा बड़ी मुसीबत है, यानी एक जवान गयूर बेटा खुद अपनी मां बहनों को असीर ले चले। ये वो मकामात हैं कि अमामा सर पे बार होता है। अली इब्न अल हुसैन जैसा गयूर मासूम इमाम गैरतमंद जवान अपनी माओ और बहनों को खुद लेकर जा रहा है, इससे बड़ा सितम नहीं हो सकता ना। कैसा टूट गया होगा दिल सैयद सज्जाद का, इंसानी नुक्ते नजर से सोचिए। और फिर किधर से ले जाया जा रहा है, अब हुक्म दिया गया कि उधर से ले चलो जिधर हुसैन का लाशा पामाल शुदा पड़ा है। बस सैयद सज्जाद जब उधर से गुजरे हैं तो चेहरे का रंग बदल गया, बीबी ने पुश्ते नाका से देखा और अब आवाज दी जुमले। अब बीबी वो ऐलान कर रही है कि जो रसूल ने मैदान खदीर में किया था मगर हालात बदले हुए हैं। दुश्मनों का हलका है, दुश्मन फौज है और उसके दरमियान बीबी क्या कह रही है, बेटा सैयद सज्जाद अपने को संभालो, तुम इमाम वक्त हो। बेटा मैं क्या देख रही हूं, ऐसा लगता है कि रूह जिस्म से मुफारकत किया चाहती है। सैयद सज्जाद ने जुमला सुना और संभल गए मगर पलट के एक जवाब दिया, वो भी अम्मा आप ही इंसाफ से बताएं, जवान बेटा मौजूद हो और बाप का लाशा बेगोरों कफन रह जाए। सैयद सज्जाद ने इमाम आसर का जिक्र किया है दरबार यजीद में भी, जैनब ने भी जिक्र किया है, जैनब ने जिक्र किया है कहां, इसी मकाम पर जब सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा आप ही इंसाफ करें, मैं जिंदा रहूं बाबा बेगोरों कफन रह जाए। फूफी अम्मा ने कहा बेटा बेटा मायूस ना हो, मैंने सुना है मेरे नाना की हदीस है, रसूलुल्लाह का वादा है
जो तुम्हारे बाबा को दफन करेगी और उसके बाद जो जुमले हैं अब मुझमें सकत नहीं है उसमें हजरत मेहदी तक का तस्करा फरमाया बीबी ने। और बस अब आखिरी जुमला, बीबी ने एक फूफी, एक माँ, एक बुजुर्ग का फरीजा अंजाम दिया, इमामत का ऐलान किया, बेटे को संभाला, मगर बेटे को संभालने के बाद खुद संभाल ना सकी। बीबी ने खुद को ऊंट से गिरा दिया, कोहनियों के भाल हुसैन के लाशे तक पहुंची और एक मर्तबा कहा, आंताखी, क्या तुम मेरे भाई हो? क्या तुम मेरे भाई हो? ये जुमला कहने की जरूरत इसलिए पेश आई कि तारीख में है लाशे को इस तरह पामाल किया गया था कि सीने की हड्डियां रेजा रेजा हो गई, जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया था। एक मर्तबा का, क्या तू मेरा भाई है? और उसके बाद मदीने की तरफ रुख किया, वाह मुहम्मदा, या जद्दा, फरिश्ते दरूद भेजते हैं, आपके जनाजे पर मलाइका ने नमाज पढ़ी, ये आपका नवासा है, ये आपका बेटा जो बेगौर और कफान खाके घर में करबला पर पड़ा हुआ। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजीजो, हम इन्ना लिल्लाह के बाद बड़ी आसानी से रिजन बे कज़ाए ही कह देते हैं, मगर ये जुमला किसी और का नहीं है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन के बाद रिजन बे कज़ाए ही व तस्लीमन लिअम्रह का जुमला हुसैन ने कहा है, किसी और ने नहीं कहा है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगार,